दोस्तों ट्विटर के ऊपर से बहुत सारे लोगों को बैन किया गया था, भगाया गया था कि भैया तुम ट्विटर पे रहने लायक नहीं हो। लेकिन जैसे ही एलन मस्क ने ट्विटर को टेक ओवर किया, उन लोगों के लिए एलन मस्क एक मसीहा बन के निकले हैं। जैसे कि KGF का रॉकी भाई था ना, कुछ रॉकी भाई जैसी ही फीलिंग आ रही होगी उनको एलन मस्क को लेकर, और गाने गा रहे होंगे पर्वत जैसे, ये खड़ा है हद से ज़्यादा, ये है जोर से बोलोगे तो चीर देगा, ये है सुल्तान। जी हाँ, ये गाना बज रहा होगा इन सभी के मन में, जिसमें से डोनाल्ड ट्रंप भी एक है। डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की है एलन मस्क की, भैया ये है, ये वो है, ये महान है, ये वो। लेकिन मेरा खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रुथ, मैं उस पर ही रहना प्रेफर करूँगा, क्योंकि भाई बंदे ने इतना ज़्यादा पैसा लगाया खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए, तो अब ये वहीं पर रहने वाले। लेकिन कंगना रनावत या फिर बाकी जो भी लोग हैं पॉपुलर जिनको भगाया गया था, वो तो शायद वापस आ सकते हैं, लेकिन अभी इतनी आराम से नहीं आएंगे, क्योंकि उनको वापस रिस्टोर करने से पहले ट्विटर के ऊपर आएगा कंटेंट मॉडरेशन काउंसिल, जो जब बन जाएगा तो उसके बाद में रिव्यू किया जाएगा जिन भी अकाउंट्स को बैन किया गया, और शायद ये सभी वापस आ पाए। और यहीं पर कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने भी ट्विटर के इस एक्यूजेशन पे कहा है कि भैया अब शायद थोड़ी सी उम्मीद लगा सकते हैं कि एलन मस्क गवर्नमेंट के प्रेशर में ना आके फैसले ना ले ट्विटर के ऊपर, जो भी बातें कही जाती हैं उसके बाद में गवर्नमेंट कहती है कि इसे हटाओ, उसके ट्वीट को हटाओ, इस तरीके की चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि मैंने भी कहा था कि भैया तुमने ले तो लिया है ट्विटर को, और कह भी दिया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पर हम बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब गवर्नमेंट कहेगी तब क्या करोगे, देखने वाली बात तो सारी की सारी वहीं पे आके रुक जाती है। और इसी के साथ साथ दोस्तों ट्विटर को बाय करते ही न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से ट्विटर को डीलिस्ट कर दिया गया है। इसको 8 नवंबर 2022 को दोबारा से डाला जाएगा, क्योंकि अब ये प्राइवेट कंपनी बन चुकी है तो काफ़ी कुछ हो सकता है, जिसकी वजह से इसको पहले ही डीलिस्ट कर दिया गया था। और यहीं पर टेस्ला के कॉम्पिटिटर जनरल मोटर्स ने भी अपने ट्विटर की जो एडवर्टाइजमेंट थी उसको रोक दिया है, क्योंकि भैया अब ये एलन मस्क की कंपनी बन चुकी है और एलन मस्क के जो कंपटीटर हैं वो तो चाहेंगे कि हम यहां पर अपनी एडवर्टाइजमेंट ना ही करें। और कई सारे एम्प्लॉयज भी वरीड हो रखे हैं कि भैया जिस तरीके से टॉप एग्जीक्यूटिव्स को भगाया गया है ट्विटर के ऊपर से, हमें भी शायद भगाया जा सकता है। और यहीं पर दोस्तों US मीडिया को दो प्रैंकस्टर ने बेवकूफ बना दिया। दरअसल वो ट्विटर के ऑफिस के बाहर खड़े हो गए थे डब्बे लेके कि हमें भी भगा दिया गया है, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे ट्विटर के अंदर और हमको निकाल दिया एलन मस्क ने जैसे उन्होंने लिया इस कंपनी को। तो यहां पर बहुत सारे मीडिया चैनल इस न्यूज को वायरल कर बैठे और ऐसा लगने लगा कि हाँ भाई सच में ऐसा हुआ है, जिसके बाद में ट्विटर ने खुद कंफर्म किया कि भैया इन नाम के तो हमारे बंदे ही नहीं है, ये तो ऐसे ही प्रैंकस्टर थे, और उसके बाद में मालूम चल ही गया। लेकिन सारे मीडिया में थूथू होगी, जिस तरीके से इंडिया के अंदर बताया जा रहा था कि जो 2000 का नोट आएगा उसके अंदर चिप लगी होगी, जमीन के अंदर भी गाड़ दोगे तो वो मिल जाएगा, और 120 मीटर नीचे मिट्टी के दबा होगा तो भी पता चल जाएगा कि यहां पर ये 2000 का इतने दिनों से ऐसे पड़ा हुआ है। कुछ भी। दोस्तों डव का शैम्पू, ट्रेस्मे का शैम्पू आप भी यूज करते होंगे, हम सभी यूज करते हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर डव और ट्रेस्मे के ड्राई शैम्पू को बैन कर दिया गया है, क्योंकि उसकी वजह से इंसानों को कैंसर हो सकता है, ऐसा पाया गया है। दरअसल इनके शैम्पू में एक ऐसा केमिकल होता है जिनको बेंजीन कहा जाता है, और इसी के साथ साथ इसको ह्यूमन कैरोसिनोजेन भी कहा जाता है, जिससे कि ल्यूकीमिया और ब्लड कैंसर हो सकता है, जिसकी वजह से इस कंपनी ने ही सभी अपने ड्राई शैम्पूज को रिकॉल कर दिया है, चाहे वो डव के हों चाहे वो ट्रेस्मे को। और इनकी पेरेंटल कंपनी यूनिलीवर ने भी ये बात कही है कि भैया हम सभी इन शैम्पूओं को रिकॉल कर रहे हैं और देखेंगे, और इंडिया की जनता काफ़ी ज़्यादा वरीड हो जाएगी कि भैया डव का शैम्पू तो हम भी यूज़ कर रहे हैं सालों से, और इसी के साथ साथ ट्रेस्मे के भी शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, और ये दोनों ही कंपनियाँ यूनिलीवर की ही कंपनी है। तो इन्होंने कहा है कि भैया इंडियंस को पैनिक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो शैम्पू इंडिया के अंदर बेचते हैं वो ड्राई शैम्पू नहीं होता है, उसके लिए तो आपको पानी वानी जरूरत पड़ती ही है, तो आपको पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इन शैंपू के अंदर इतना ज्यादा हाई लेवल बेंजीन नहीं है जितना ज्यादा ड्राई शैंपू में था, तो अब तो वहां से हटा दिया गया है, और इंडिया वालों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों हम इंडियंस गेम खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, और स्टीम के ऊपर आप गेम्स परचेज भी करते होंगे, लेकिन अब आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ने वाला है गेम्स परचेज करना स्टीम के ऊपर। 85% तक आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं, यानी कि अगर गेम 1000 रुपये की है तो आपको 1850 रुपये देने पड़ेंगे उस गेम को खरीदने के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ होगी, मतलब कि ये तो ऑलमोस्ट 100% ही लग रहा है हमको कि मतलब 1000 रुपये की गेम ऑलमोस्ट 2000 की कर देंगे, ये स्टीम वाले कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लेशन भी कारण है, और इसी के साथ साथ डॉलर के साथ में जो हमारा रुपी का कन्वर्जन है वो भी काफ़ी बढ़ चुका है। तो यहाँ पर इतना तो नहीं बढ़ा कि
तुम सीधा इतना ही 85% कर दो, अबे 1000 की गेम 1200 की कर दो, लेकिन ये तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव करने पे तुले हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है स्टीम पे अब गेम परचेज करना। दोस्तों विक्की डोनर मूवी तो आपने ज़रूर देखी होगी, जिसके अंदर जो एक्टर होता है वो अपने स्पर्म को डोनेट करता है और उसके बदले में पैसे भी कमाता है। यहीं पर यूके के अंदर 1996 में एक स्पर्म को फ्रीज किया गया था और उसको आज यूज़ करके बच्चा पैदा करवाया जा चुका है। दरअसल इस हफ्ते एक बच्चा पैदा हुआ है, लड़का पैदा हुआ है, बधाई हो, और वो फ्रोजन स्पर्म से ही पैदा करवाया गया है, जो कि 26 साल पुराना स्पर्म था जिसको यूज़ किया गया। जो लीगल शेल्फ लाइफ होती है स्पर्म की वो 55 साल रखी गई है, तो यूके के अंदर कुछ लॉ भी चेंज हुए हैं जिसकी वजह से 50 साल पुराना स्पर्म भी यूज़ किया जा सकता है किसी को प्रेग्नेंट करने के लिए। दोस्तों शायद आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि NCR और दिल्ली के अंदर बम पटाखे चलाने बैन थे, हालांकि बहुत सारे लोगों ने चलाए होंगे अपने घर के अंदर, लेकिन जिस भी बंदे ने बाहर बम पटाखे चलाए और उसके बाद में वो पकड़ा गया तो उस पर कार्रवाई तो होनी ही है। दरअसल 6 महीने की सज़ा थी जो भी पकड़े जाते। तो ये बंदा जो कार के ऊपर रख के बम पटाखे चलाता हुआ घूम रहा था गुरुग्राम के अंदर, इसके खिलाफ भी अब एक्शन लिया जा रहा है, ढूंढ के फिर इसको सज़ा मिलेगी, क्योंकि नंबर मिल गया तो फिर सभी कुछ मिल गया, तो करना नहीं चाहिए था। हालांकि खुले में चला रहा है और कई सारे लोगों को रिस्क में डाल सकता था, तो देखते हैं क्या होता है।